सबसे पहले बार बीच में चुनाव हुए और जनसंख्या विस्फोट की, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। इसमें 1950 से 2015 तक देश की आबादी वृद्धि का हिसाब किताब दर्ज है। रिपोर्ट के डाटा के मुताबिक इस दौरान मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ गई तो हिंदुओं की जनसंख्या 7.8% घट गई। अब ये आंकड़े नई सियासी ध्रुवीकरण का सबब बन चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये देश को क्या चाहते हैं? गजवाए हिंद करना। ये लोग तो कुछ भी बोल दे, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम में बांट दो। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया। ये तो मोटर माउथ है, बचते रहते अनाप शनाप। आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। मंगल सूत्र रिजर्वेशन, रंग भेद और तुष्टिकरण से गुजरती 2024 की चुनावी जंग हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी पर जा पहुंची तो सियासी सूरमा बयानों के पैंतरे दिखाने लगे। ये देश को क्या चाहते हैं? गजवाए हिंद करना। इसके लिए अगर कोई दोषी है कांग्रेस सहित इंडी महागठबंधन, जो वोट के खातिर तुष्टिकरण कर रही है, मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। ये लोग तो कुछ भी बोल दे, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं। अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको अच्छा उछाल देते हो। भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। कांग्रेस जिस सवाल पर भड़की उसके पीछे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट जो बताती है कि 1950 से 2015 के बीच यानी पिछले 65 साल में देश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% घट गई, जबकि मुस्लिम आबादी में 43% का इजाफा हो गया। अब बीजेपी को नए पाकिस्तान की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। रिपोर्ट कहाँ से आई? रिपोर्ट बनाने वाले भी तो यही लोग है। ये रिपोर्ट जो है केवल चुनावों के उसके लिए बनाते हैं। फिर से अपनी पुरानी राजनीति पे आ गए हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे आ गए हैं। ये रिपोर्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आई है। कांग्रेस ने रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाकर मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की। उद्धव की पार्टी ने इसे देश के लिए गुड साइन बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे रिजर्वेशन से जोड़कर नया एंगल दे दिया। जाति की जनगणना के आधार के ऊपर अगर मुस्लिमों का की जनसंख्या गणना इतनी बढ़ती जा रही है तो आप कितना रिजर्वेशन काट कर जनसंख्या के आधार पर कितना उनको देंगे? मुसलमानों का पॉपुलेशन हिंदुओं से बढ़ जाएगा ये सरासर झूठ है। कभी भी इस देश में मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं जाने वाला है। वैसी आंकड़ों में उलझे रहे और विश्व हिंदू परिषद समान जनसंख्या नीति तक पहुंच गई। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण कर रही है। देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है समान जनसंख्या नीति बननी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए एक जैसी नीति। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर आई रिपोर्ट को धर्मगुरु अपनी कसौटी पर कस रहे हैं। अभी तीसरे चरण की वोटिंग हुई है, इसके फौरन बाद पीएम के कौमी सलाहकार का ये बयान आना जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सिवाय चुनावी फायदा लेने के जमीनी सतह पे हम देखें तो हकीकत इसके बिल्कुल खिलाफ नजर आती है। जहां जहां हिंदू मुस्लिम आबादी का प्रतिशत का अंतर आया है आज वहीं पर विभिन्न प्रकार के दंगे। पश्चिम बंगाल में सभी एजेंसियां फेल हो गई क्योंकि वहां जनसंख्या का अनुपात बहुत असंतुलित है। जनगणना के आंकड़े भी इसी बात की तस्दीक करते हैं कि आजादी के बाद आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या घटी और मुसलमानों की आबादी बढ़ी, लेकिन रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब देश में चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा सियासत गर्म है।
देश के आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई और आखिरी बार 2011 में। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन हमारे पास 1951 से 2011 तक के जो आंकड़े हैं वो बड़ी दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। अब वो आंकड़े आपको दिखाता हूं। देखिए 1951 देश में हिंदू आबादी 84.10% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 9.80% थी। 1971 में हिंदू आबादी 82.73% दर्ज की गई। इसी साल मुस्लिम आबादी 11.75% रही। 1991 में हिंदू आबादी 81.53% थी, जबकि 1991 में मुस्लिम आबादी 12.61% थी। 2011 में हिंदू आबादी 79.80% थी, जबकि 2011 में मुस्लिम आबादी 14.20% रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मुस्लिम आबादी बीते 65 सालों में बेहद तेजी से बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है प्रतिशत के लिहाज से। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है। ABP News आपको रखे आगे।